हेलो दोस्तों, आज हम ना मेरे हीरो चाचा के घर जा रहे है ना दिवांशी। हाँ दिवांशी, आप भी तो बोलो कुछ। हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो नमो प्रणाम। हम ना दादा दादी के घर जा रहे हैं। वहाँ पे छोटी दादी भी और छोटी दादा भी है। और कौन है? और ना चाचा भी है। हीरो चाचा? हाँ। हम ना कैप्टन को भी ले जाएंगे। कुछ और पहन ले, फ्रॉक पहन ले। ये क्या पहना है? ठीक है, फ्रॉक पहन ले। पक्का? उसे उतार दे इसको। हैं? कैसे दोगा, दे रही हमको। अब आपको लग रहा होगा कि ये फ्रॉक के लिए बोल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसने ना पूरा एक घंटा जिद कर दी कि मुझे यही पहनना है। ये लाल बंदर लग रही है। इधर चलो। अब उधर देखो। चलो दोस्तों, हम लोग ना घर पे बोर हो रहे थे। रुद्रांश की भी स्कूल की छुट्टियां पड़ गई है ना, 10-12 दिन की। तो हमने सोचा कि आज जरा बाहर टहलने के लिए जाते हैं, एक स्पेशल जगह। हाँ। और टाइम मिलेगा तो अपने हीरो चाचा से ही मिलेंगे। बिल्कुल। जिस पे कई लड़कियां फिदा हैं। हमारा सफर शुरू हो चुका है बहुत ही शोर शराबे से। और मेरे बच्चे मुझे तंग करते हैं। हाँ। लेकिन मुझे फिर भी इनसे प्यार है। दोस्तों, मार्केट में आते ही सबसे पहले हम ले रहे हैं टिश्यू पेपर, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जुकाम हो रखी है और उनको चाहिए। ये वाला ले रही हूँ। चल ठीक है। कितने का भैया? ये 50 रुपीज का है और ये 40 रुपीज का है। नहीं 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 दोस्तों, मैंने अक्कू चाचा को ना यहीं पर बुला दिया है और अक्कू चाचा के साथ जाएंगे ये दोनों और हम कुछ शॉपिंग करेंगे। नहीं, नहीं, पापा हमारे लिए पिचकारी भी लाना। अरे अभी होली को आने में टाइम है। अच्छा, 25 को? अरे आप भी हमारे साथ रहोगे? कैप्टन, नो नो कैप्टन, धीरे धीरे ला उसको, धीरे धीरे रुको, तुम धीरे धीरे आओ भैया के साथ। हेलो दोस्तों, अभी हम ना ग्रेप्स और बनाना ले ले। अंकल जी, अंगूर कैसे दे रहे हो? अंगूर 80 रुपए किलो। और केले? केले 60 रुपए दर्जन। हाँ। ये ले। चलो। अंकल जी, अंगूर खट्टे नहीं होने चाहिए। अंगूर बिल्कुल मीठे होंगे, हमसे भी ज्यादा। अंगूर खट्टे हैं दोस्तों। क्योंकि अंगूर हल्दी। पपीता दे रहे हैं? पपीता लेने क्या? हाँ ले। कितना? 1 किलो। ये तो दिल्ली है। अच्छा, मुंबई से आए इस तरह? हमें एक मेला लगाया। क्या मेला लगाया? अच्छा अच्छा, मछलियाँ मछलियाँ वो दिखाऊंगा इनको। द्वारका 11 सेक्टर। अच्छा, वहाँ से हो जाए। चलिए आराम से पियो, बैठ के पियो, बैठ के पियो। बाप हो गया वो बाप ने। क्या चल? हम लाते बंद करें, ऐसे बोले हम नहीं लाते। क्या लाए हमारे लिए? क्या लाए? दोस्तों, अभी हम ना हल्का फुल्का खाना बना रहे हैं। दादी बना रही है दाल, मम्मी बना रही है रोटी।
मम्मी मेरे को भी एक रोटी दे दो ना। अभी बनने तो दो। अरे रोटी आटा नहीं, आटा नहीं, आटा नहीं, आटा नहीं, आटा मिलेगा अच्छा आटा नहीं। दादी जी आप धनिया क्यों काट रहे हो? क्योंकि मैं दाल में डालूंगी ना। हाँ। दाल का स्वाद कैसे होगा? बहुत अच्छा, अच्छा। जैसे हम अपनी हाँ। दाल में डालते हैं। अपनी दाल में दाल रोटी बन जाए तीन टाइम उतना बहुत है अब हमारे लिए। अच्छा दारू पोछा कोई नहीं, कोई नहीं, हम आ जाएंगे है ना, कुछ स्पेशल बनाना हो तो। आजकल के जवान तो बुड्ढों से बाकी है, आजकल के जवान तो बुड्ढों से बाकी है, पुराने जमाने के जवान बुड्ढे और आजकल के जवान बराबर है। बराबर हाँ। दाल किसकी? दाल है चने की दाल, चने की और घिया की दाल। घिया दाल तो ये तो आपने बनाई है तो पता नहीं है। चाचा ने बनाई, चाचा जी ने बनाई, चाचा जी ने बनाई। तभी तो हमें पता नहीं है कौन सी दाल है। आटा बोलो, आटा आटा खाओ। चाचा आटा बढ़िया खा रहा हूँ। अच्छा खाना, इसमें पानी भी नहीं है, पानी इसके पास। ये देखा आज रुदू ना चार रोटी खा गया। दाल वाली जाइए इसमें, दाल ना बोले ये आधी 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 रोटी खाता था, आधी रोटी। अरे तो मैंने कोई भी चिप्स कुरकुरे नहीं दिए थे ना, देने भी नहीं चाहिए। तो भूख लग गई। दादा जी के साथ हां सो लेना। दोस्तों रात के 9:30 बज रहे हैं और हम लोग ना डिनर कर रहे हैं। देखो बढ़िया से डिनर होना, मतलब दाल रोटी के साथ। वही रात के 9:30 बजे हम लोग डिनर कर रहे हैं बढ़िया से, दाल रोटी के साथ। हाँ। तो रुदू बढ़िया लगा ना तुझे? कोई दूसरी सब्जी नहीं है बोलो। कोई बात नहीं, सब्जी तो 10-12 होगी, पर बनाने वाला खुद ही बता। आज लाइव तो कोडला सही कह रहे हैं, सब्जियां तो नहीं नहीं एक्चुअली चाचा चाची बोल रहे थे कि ये बनाना है वो बनाना है, हमने बोला कि नहीं सिंपल ही खाएंगे। सुबह का क्या खाओगे नाश्ते में बाबू? पराठे और छोले। पराठे और छोले उबाल उबाल के। पराठे और छोले उबाल उबाल, मटर के पराठे हैं। नहीं घिसता, नहीं घिसता। दाल मारें खत्म। रुदू चाचा पिटाई करेगा फिर। छोटे छोटे दादा की सुनो, छोटे दादाजी की रिटायरमेंट पार्टी में क्या हुआ था? पहनाई। तो दोस्तों हम लोग ना चाची जी के लिए कुछ लेके आए हैं गिफ्ट, और आई होप कि चाची जी को पसंद आए। चाची जी के रिएक्शन दिखा रहे हैं कि ऑलरेडी पसंद आ गया। चाची जी जबका के देख रहे हैं कि क्या है। बाहर से पता थोड़ी चलेगा, सिंपल चीजें हैं बस। हाँ तो पन्नी ऐसी लग रही है ना, नहीं। हाँ चाची देखो, चलो अब बताना कि कैसे लगी। रुदू चाची जी खोलेगी, चाची जी खोलेगी। अरे ये तो बहुत अच्छी चीज है। रुदू चाची अपने आप देखेगी। ये वाला बहुत चल रहे वाला आजकल, बहुत अच्छे। बहुत धन्यवाद भाई, कौन आया किसी पसंद आई मेरी दीदी है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पहन के दिखा दो चाची बोलो। और हमें ना चाची जी का जो कंगन है उनका साइज भी पता नहीं था, मैं अपने साइज के लिए आई। ये कम से कम पर कितने हैं? 15-20 लाख के होंगे। तो दोस्तों ये जो झुमके हैं ये नकली है, वैसे नकली नहीं है, असली है, असली लग रहे हैं। ये कम से कम पर कितने हैं? 15-20 लाख के होंगे। तो दोस्तों ये जो झुमके हैं ये नकली है, वैसे नकली नहीं है, असली है, असली लग रहे हैं, असली। आकाश एक 25 साल के लड़के की सैलरी कितनी होनी चाहिए? 25 उसकी अब मर्जी हो, अब इसमें काम कर रहा है। नो नहीं, कितनी मतलब कितनी तो होनी चाहिए आज के टाइम में, अगर उसको घर वालों ने पढ़ा रखा है, अच्छा सा कोर्स करा रखा है, तो कितनी होनी चाहिए? 40-50 तक।
क्या 40-50 एटलीस्ट 40-50 हज़ार होनी चाहिए। तो देख लो हाँ चाची जी, मैंने बता दिया। अभी अभी ये कितने साल का है? नहीं नहीं 20,000। अभी आकाश कितने साल का है? 20। अभी 20 साल का आकाश। तो मुझे तो लगा आकाश बोलेगा 1-1.5 लाख। हाँ होगी होगी, भारी पड़ जाएगा बिल्कुल होगी। अभी तेरा मतलब मंथली खर्चा कितना होता है? मेरा ज्यादा नहीं है खर्चा। कितना? पहले जिम का वो प्रोटीन लेता था, उसको मैंने छोड़ दिया। उसको मिलाकर ऐसे 3-4 हज़ार हो जाता था। अच्छा, अभी जिम की फीस 700 और कुछ नहीं। सिर्फ 700 रुपए? दोस्त है ना, डिस्काउंट है। दोस्त है वही। प्रोटीन वगैरह तो लेता भी नहीं। अब नहीं लेता है। प्रोटीन क्या होता चाची? भाई एक पाउडर जैसा होता है, हम तो खाने में प्रोटीन समझते हैं। प्रोटीन सब में होता है क्या जी? प्रोटीन तो सब में होता है। नहीं पाउडर, पाउडर नहीं होता, पाउडर जैसा। वो प्रोटीन पाउडर कहते हैं। तो कभी खाया आपने? ना मैंने तो नहीं खाया। हम तो खाना ही प्रोटीन, हम तो मंडवे का आटा खाते हैं। मंडवे की आटा खाते हैं और बाकी क्या, हरी भुजी खाते हैं, हरी भुजी सलाद फ्रूट खाते हैं। और आकाश खाता है प्रोटीन, है ना? कुछ भी नहीं खाता, घर का खाना, घर का प्रोटीन होता है। दोस्तों हम लोग ना मजाक कर रहे थे, बस ऐसे मजाक करते तो अच्छा लगता है। और आकाश के साथ मजाक जरूरी है, वरना ना ये चुपचाप से बैठा रहता है शर्मीला है। इंट्रोवर्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, वो दिखाता है कैमरे में। ये एक्स्ट्रा वर्ड है, एक्स्ट्रा वर्ड। देख रहे हैं, फोन भी चाहिए, दूध भी चाहिए इसको। बहुत बदमाश है ये, और रुक तो रखा है दादाजी के साथ। पुलिस बुला। अब दादाजी को परेशान करेगा पूरी रात भर रुद्रांश। ये कैसा पंखा है भाई, ये तो आवाज कर रहा है यार। अभी ट्रेन स्टार्ट हो रही है। थोड़ी सी गर्मी लग रही थी हमें, तो हमने सोचा कि पंखा चला देते हैं, लेकिन इतनी खतरनाक आवाज कर रहा है ना। फुल कर दे। अगर तेज स्पीड में कर दोगे ना तो आवाज नहीं करेगा। और ऐसे ये बोल क्या रहा है, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। सो दोस्तों आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, लाइक कर दो रे, सब्सक्राइब कर दो रे, सो जाओ रे, लव यू।